हेलो दोस्तों, मैं सुमित हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मी 11X के बारे में। ये जो फ़ोन है यार, इसका जो लुक है ना यार, काफ़ी सही देखने में लगता है। कलर्स वगैरह भी काफ़ी बढ़िया देखने में मिलते हैं। लेकिन बात सारी ये है कि अगर ये फ़ोन आपके हाथ से गिर जाता है तो भैया इसकी जो गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन है वो काम नहीं करेगी। वो गिरते के साथ ही इसका जो बैक है यार फूट जाएगा, क्योंकि ये आपको भाई यहाँ पर प्लास्टिक का नहीं देखने मिलता है, ये कांच का देखने को मिल जाता है जो कि मैट फिनिश के साथ आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से। तो इसीलिए यार मैंने सोचा भाई इसको प्रोटेक्शन के लिए भैया इसके लिए बैक कवर मंगाते हैं। काफी सारे लोग भी बोल रहे थे बैक कवर मंगाओ, तो भैया फाइनली यहाँ पर ग्लेजिंग की तरफ से हमें चार टाइप के बैक कवर्स देखने को मिल जाते हैं। देख सकते हो यहाँ पर ग्लेजिंग की तरफ से हमें देखने को मिले हैं। तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाय लिंक आप जाकर बाय कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर आपको देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरह से यार ये ब्लू टाइप का आपको देखने को मिल जाता है, ये एक हो गया। उसके बाद मैं आपको सारे दिखाता हूँ। इससे पहले मैंने अपने रेडमी नोट 10 प्रो प्रो मैक्स के लिए ये वाले कवर्स मंगाए थे, इसीलिए यार मैंने दोबारा इसको बाय किया है। यहाँ पर दो सेम कलर, एक वॉलेट या फिर आप एक ब्लू बोल सकते हो। और सबसे फेवरेट जो था वो था भाई ये रेड वाला, वन ऑफ द फेवरेट मेरा ये वाला रहा था। लेकिन पिछली बार जो हुआ था मेरे साथ स्कैम हो गया था, क्या हुआ था वो अभी मैं आपको बताता हूँ। ये देख सकते हो यहाँ पे आपको चार कवर्स देखने मिल रहे थे अलग अलग कलर में, एक ब्लैक है, एक वॉलेट कलर बोल सकते हो, एक ब्लू है और एक आप बोल सकते हो यहाँ पर रेड है। ये आपको देखने को मिल जाते हैं लगा के, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देख सकते हो ये मेरे पर रेडमी नोट 10 प्रो प्रो मैक्स पड़ा हुआ है। ये देख सकते हो इसके अंदर भी मैंने ये ग्लेजिंग वाला कवर लगाया हुआ है। पिछली बार जो था, पिछली बार भी मेरे को भाई यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर चार कवर्स दिए गए थे। ये देख सकते हो यहाँ पर ये इस तरीके से। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, ये कवर आप कभी भी मंगाते तो एक बात का ध्यान रखना, इसमें आप देख सकते हो मेरे इस कवर रेड वाले कवर में क्या हुआ। ये देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से वाइट वाइट देखने को मिल रहा था। हुआ क्या था कि मेरे को रेड कलर काफ़ी अच्छा लग रहा था और मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, और मेरा ना एक दिन डस्ट आ गई थी इसके ऊपर, तो मैंने क्या किया थिनर से इसको पीछे से सफा किया, उसके बाद ये कुछ इस तरह से आ चुका है। तो कभी भी आपका ये कवर भाई ग्लेजिंग से मंगाते हो या फिर ठीक है, तो अगर आपके कुछ भी धूल मिट्टी लग जाती है तो भैया प्लीज़ पानी वगैरह से सफ़ा कर लेना, या फिर हाथ से या फिर कपड़े से सफ़ा कर लेना, थिनर मत लगाना वरना उस टाइप का आपका हो जाएगा। अब इसको सिंपल हम इसको लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले आप देख सकते हो इसमें आपको सिंपल यहाँ पर पन्नी भी देखने को मिल जाती है, आपको ये भी छुटानी पड़ेगी। काफ़ी सी ये प्रीमियम केस देखने को मिल जाती है जो कि मेरे को काफ़ी सही देखने में लगा। सारे ही कवर्स में आपको इस तरह देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी सही हमें देखने को मिलता है, क्योंकि प्रीमियम केस है। एक थोड़ा सा हार्ड भी हो जाता है, थोड़ा बहुत हार्ड है, बट ये कि भाई सही है, हार्ड भी आप बोल सकते हो, प्लास्टिक भी आप इसे बोल सकते हो। इसको भी हम जल्दी से रिमूव कर लेते हैं। ये देख सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो इसकी प्लास्टिक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये साइड वाली जो यहाँ पर आपको नॉर्मली देखने को मिलेगी, हार्ड प्लास्टिक नहीं देखने को मिलेगी। साइड साइड में रबड़ी टाइप आप बोल सकते हो, रबड़ टाइप है थोड़ा सा, बीच बीच में हार्ड है, ऊपर की साइड रबड़ है जो कि सही है। और देख सकते हो यहाँ से ईजिली ये मुड़ भी जाता है जो कि काफ़ी सही हमें देखने को मिल जाता है। तो सबसे फेवरेट जो मेरा रेड है, सबसे पहले मैं आपको रेड लगा के दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से। और काफ़ी सारे लोग बोलते हैं भैया इससे फ़ोन भारी तो नहीं होता। भाई देखो, फ़ोन तो बिल्कुल भी भारी नहीं होता, इसका जो लुक है यार काफ़ी बढ़िया बना देता है। देख सकते हो अब आपका लुक, और बाकी ये जो कैमरा आप देख रहे हो कि मैंने कैमरे को प्रोटेक्ट किया हुआ है। इससे पहले मैंने स्किन लगाया हुआ था अपने फोन को प्रोटेक्ट करने के लिए, आप उसका वीडियो देख सकते हो। स्किन मैंने छुटा दिया है और खाली ये प्रोटेक्शन लगा रहने दिया, क्योंकि यार उस स्किन के बीच में ना एवेंजर का वो लगा हुआ था, उसकी वजह से कवर फिट नहीं हो रहा था, तो यार कवर का वीडियो बना रहा था, इस वजह से मैंने उसको हटा दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये काफ़ी सही देखने में लग रहा है, काफ़ी प्रीमियम देखने में लग रहा है। पोर्ट्स वगैरह की मैं आपको दिखा देता हूँ। पोर्ट्स वगैरह नीचे के साइड आप देख सकते हो स्पीकर है, यहाँ पर आपको माइक देखने मिल जाता है, सी टाइप देखने मिल जाता है। इधर की साइड आपको भाई वो देखने मिल जाती है सिम ट्रे, तो वो उसका पोर्ट नहीं दिया गया, क्योंकि भाई आपको पता है जितने भी कवर्स आते हैं भाई सिम का पोर्ट नहीं देते, क्योंकि कवर निकाल के सिम निकालनी पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो राइट में यहाँ पर आप कोई भी छल्ला वल्ला लगा सकते हो ये उसके लिए, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका फिंगरप्रिंट वाला, और देख सकते हो फिंगरप्रिंट भी कोई दिक्कत नहीं है, पर तुरंत ही अनलॉक हो जाता है। आई होप आपको देखने को मिल रहा होगा अनलॉक हो जाता है। वॉल्यूम अप एंड डाउन है भाई इसकी जो की है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो आवाज़ भी करते, मैं सुनाता हूँ आपको, देख सकते हो यहाँ पर ये जो आवाज़ भी करती है काफ़ी सही है, और काफ़ी ऐसा नहीं लगता हार्ड प्रेस करना पड़ रहा है, ईजिली यहाँ पर प्रेस भी हो जाती है जो कि काफ़ी सही है। ऊपर की साइड हम बात करें तो ऊपर की साइड के जो कटआउट से दोनों के दोनों दिए गए, एक में आयरन ब्लास्टर है और दूसरा माइक्रोफोन है, और यहाँ पर आप देख सकते हो एक सेकेंडरी स्पीकर भी है जो कि काफ़ी सही है, और इसमें एक पीछे भी स्पीकर सॉरी माइक देखने को मिल जाता है, और ऊपर की साइड आई डोंट नो माइक है कि नहीं है भाई, शायद पीछे वाला ही माइक काम करता है, और इधर लेफ्ट साइड तो पूरा का पूरा क्लीन है। और साइड साइड में मैं आपको दे दूँ इनके जो ये देख सकते हो यहाँ पर हर तरफ कॉर्नर्स में ये दिए गए हैं, जिससे कि आपका क्या होगा फोन अगर कुछ इस तरह से गिरता है तो आपका फोन प्रोटेक्ट हो जाए, टूटे वगैरह ना। देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको एक यहाँ पर डिजाइन दिया गया है, जिससे कि साइड साइड से ये एजेस से प्रोटेक्ट करता है, जो कि काफ़ी सही देखने में लगता है।
अब कैमरा प्रोटेक्शन की हम बात कर लेते हैं कि कैमरा इसमें प्रोटेक्ट होता है कि नहीं होता। भाई देखो थोड़ा बहुत होता है, इतना भी नहीं मैं बोलूँगा, बट यहाँ पर कि आपका प्रोटेक्ट कर लेगा। अगर आप अपने फ़ोन को इस टाइप से रख देते हो तो आपका कैमरा प्रोटेक्ट जरूर करेगा, आपको डस्ट वगैरह लगने नहीं देगा। थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं देखने को मिलता, बट थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन दिया गया। और साइड साइड में आप देख सकते हो यहाँ पर ये भी दिया गया, जैसे कि आप अपने फ़ोन को इस टाइप से धरो तो साइड साइड से प्रोटेक्ट करे थे, जो कि यार काफ़ी सही देखने में लगता है। तो ये रेड कलर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। और अब यहाँ पर हम दूसरा कलर लगा देते हैं, रेड एंड ब्लैक मेरे को काफ़ी अच्छे लगते हैं, ब्लू तो थोड़ा बहुत अजीब टाइप का लगता है, बट यहाँ पर मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ ब्लैक वाला, जो कि काफ़ी सही है। बाकी यहाँ पर आपको जो भी चाहिए आप इनकी वेबसाइट पर जाकर ले सकते हो। ये देख सकते हो ये ब्लैक वाला है, ये भी काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है इस फ़ोन के ऊपर, देख सकते हो ये काफ़ी सही है, ये भी आप इसको लगा सकते हो, जो कि काफ़ी सही देखने में लगता है। तो आप इसको भी लगा सकते हो, बाकी आपकी मर्जी, जो भी अच्छा है। और बाकी ये जो कवर है ये खुद ही मैट फिनिश के साथ आते हैं, जो कि काफ़ी सही देखने में मिलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो साइड में ब्रांडिंग भी दिखाई दे रही है Xiaomi 5G की, कुछ इस तरह से आपको देखने मिलते हैं। और जल्दी से मैं इन दोनों कवर्स को और लगा के दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कौन सा कवर आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट देखने में लग रहा है। तो इसको भी हम लगा लेते हैं जल्दी से, और यहाँ पर हम इसको लगा लिया, ईजिली फिट भी हो जाते हैं। और साथ ही साथ ये देख सकते हो ये जो टेम्पर्ड ग्लास है जो मैंने इसमें यूज़ कर रहा हूँ, ये भी इसमें लगा हुआ है, कोई भी एज इससे नहीं छूट रहा है। काफ़ी सारे क्या होता है, टेम्पर्ड ग्लास हम लगाते हैं उसके बाद कवर फिट कर लेते हैं तो ना जो हमारा एक टेम्पर्ड ग्लास वो छूटने लगता है, इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है। आप इनकी वेबसाइट पर जाकर टेम्पर्ड ग्लास भी बाय कर सकते हो, इस फोन का अवेलेबल है, आप जाकर बाय कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पर कोई भी मेरा टेम्पर्ड ग्लास नहीं छूट रहा है, ये पहले से छूटा हुआ है टेम्पर्ड, क्या कहते हैं, देख सकते हैं हल्का हल्का छोटा सा देखने को मिल रहा हुआ, कवर लगा ना लगा हुआ पहले से छूटा हुआ, पता नहीं क्या दिक्कत है। बट यहाँ पर ये कि आपका ये टेम्पर्ड ग्लास के साथ कवर जो फिट हो जाता है, जो कि काफ़ी सही है। ब्लू भी काफ़ी सही देखने में लग रहा है, देख सकते हो यहाँ पर ये आपको कुछ इस तरह से देखने मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही है। बाकी यार आपको जो बाय करना है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप बाय कर सकते हो। लास्ट वन रह चुका, हम इसको भी जल्दी से लगा लेते हैं। यहाँ पर ये वाला शायद वॉलेट कलर है, भाई ब्लू कौन सा है वॉलेट कौन सा है समझ में नहीं आता, क्योंकि दोनों तो सेम जैसे ही लगते हैं। देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है, काफ़ी सही देखने में लग रहा है। अगर आपको बाय करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके बाय कर लो। बाकी आपको ये किसी भी अदर डिवाइस का चाहिए, जैसे कि देख सकते हो मैंने रेडमी नोट 10 प्रो प्रो मैक्स के लिए मंगाया हुआ है, अगर आपको इस फोन का चाहिए, इस फोन की वीडियो बना रखे वो भी देख सकते हो, वरना आप जाके इनके वेबसाइट पर जाके रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा और आप इजीली इसको बाय कर सकते हो। और यार ये क्या चीज़ है भाई, ये चीज़ तो मैंने अभी देखा, ये देख सकते हो गाइस यहाँ पर इसमें ये वाला जो कलर है इसमें आपको जो कैमरा बम्प है वो कितना ज़्यादा दिया गया, ये देख सकते हो यहाँ पर, ये मैंने अभी की अभी नोटिस किया हुआ। इसमें तो आपका काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट कर लेगा, ये सारे में ही होना चाहिए था, बाकी और कवर किसी में भी नहीं है। देख सकते हो यहाँ पर इसमें भी बहुत कम दिया गया है, इसमें भी बहुत कम दिया गया है और इस वाले में भी बहुत कम है, लेकिन इसमें आप देख सकते हो कैमरा प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा दे रखा है यार, ये चीज़ तो मैंने अभी की अभी नोटिस की है। बाकी हम देख लूँ भाई मैं अपने इन दोनों इन रेडमी नोट 10 में, तो इसमें भी भाई बिल्कुल सेम टू सेम है, इसमें भी कोई अलग नहीं दिया गया, लेकिन इसमें प्रोटेक्शन के नहीं दिया गया। देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन के नहीं दिया गया, ये सारे कवर्स में होना चाहिए था तो और ज़्यादा बेटर होता, बट ये इसी के अंदर दिया गया, देख सकते हो यहाँ पर। अब पता नहीं भाई हो सकता मिस्टेक से हो गया हो, बट जो भी यार काफ़ी सही देखने में लग रहा है, इसमें आपका जो कैमरा बम्प है या प्रोटेक्ट होता है पूरा का पूरा, तो आप इस वाले केस को भी बाय कर सकते हो। बाकी यार लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके लिंक पर क्लिक करो, आप जाके बाय कर सकते हो। बाकी यार मेरा जो फेवरेट कवर है भाई वो रेड ही रहेगा, रेड को मैं लगा के यूज़ करने वाला हूँ इन फ्यूचर, आपको वीडियोस में इसी के साथ कवर के साथ वीडियो देखने को मिलने वाली है। तो ये थे आज की इस वीडियो में, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ इनका बाय लिंक, आप जाके कोई से भी बाय कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लग रहा हो। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।